हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे, सभी बीजेपी सांसद मंत्री विधायक कम से कम 2 गांव की करेंगे सेवा। सरकार के 7 साल पूरा होने पर बोले पीएम मोदी, कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर चला देश, हर क्षण समर्पित भाव से किया काम। पीएम मोदी ने कहा अब देश अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, दूसरे देशों के दबाव में नहीं अपने संकल्प से चलता है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर करारा अटैक, कहा वैक्सीन को लेकर देश भर में भ्रम फैलाने की कोशिश हुई। नड्डा ने कहा विपक्ष ने पहले वैक्सीन पर उठाए सवाल, मोदी वैक्सीन, कहा वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे। नड्डा ने कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा 1 सप्ताह में ऑक्सीजन की किल्लत दूर हुई, लगाए जा रहे हैं 1500 नए ऑक्सीजन प्लांट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 7 साल में विकास सुशासन एवं सुधार का नया अध्याय लिखा गया, गरीब से गरीब व्यक्ति के सशक्तिकरण की हुई कोशिश। कोरोना के कारण सरकार ने 7 साल तक सात साल का जश्न नहीं मना रही है बीजेपी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों में लोगों में खाना बांटा। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 7 साल के कामकाज पर उठाए सवाल, सरकार को पूरी तरह नाकाम बताया। दिल्ली में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, कल से शुरू होंगी मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण कार्य, डीडीएम ने दी इजाजत। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन यूनिट में अलग अलग शिफ्ट में होगा काम, सभी यूनिट्स पर नियमित अंतराल पर होगा आरटीपीसीआर और आरएटी टेस्ट। हरियाणा में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी दुकानें, अभी 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। सीएम खट्टर ने कहा दुकानदारों को ऑड इवन का फॉर्मूला फॉलो करना होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 15 जून तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में जारी रहेगी वीकेंड लॉकडाउन, 1 जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी अनलॉकिंग, सीएम शिवराज सिंह का ऐलान। यूपी सरकार ने 7 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, कम केस वाले इलाके में अनलॉक पर डीएम लेंगे फैसला। योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की बैठक, कोरोना के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान। मुंबई के 5-स्टार होटल में पुलिस की रेड, मेयर किशोरी पेडनेकर भी साथ, होटल के स्टे पैकेज के साथ दी जा रही थी वैक्सीन। मुंबई की मेयर ने कहा होटल में वैक्सीन लगाने की बीएमसी को नहीं दी गई थी जानकारी, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। होटल्स के साथ सहयोग से वैक्सीनेशन पैकेज का ऐलान करने वाले निजी अस्पतालों पर सरकार सख्त, राज्यों से सख्त एक्शन लेने को कहा। यूपी के बलरामपुर में कोरोना मरीज का शव नदी में फेंकने का वीडियो वायरल, पीपीए किट पहने 2 लोगों ने राप्ती नदी में फेंका शव। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आया प्रशासन, महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज, सीएमओ ने कहा परिजनों ने ही फेंका शव। दिल्ली में 1800 किलो और इस्तेमाल किए गए ग्लव्स बरामद, पुलिस ने मुंडका के कबाड़ी बाजार में मारा छापा। दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल ग्लव्स के एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, मुंडका में पहले एक फैक्ट्री से मिले थे 1300 किलो ग्लव्स इस्तेमाल किए हुए। देश के ज्यादातर शहरों से कोरोना की दूसरी लहर पर ब्रेक, एक दिन में कोरोना के 1,65,553 बीमार, 3,460 मरीजों की मौत। देश में लगातार 17वें दिन नए केस में से ज्यादा हुई रिकवरी, एक दिन में 2,76,000 से ज्यादा लोगों ने बीमारी को मात दी। दिल्ली में सामने आए 2 महीने का सबसे कम केस का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 956 नए मरीज मिले, 122 की मौत, पॉजिटिविटी रेट घटकर करीब 1%। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1908 नए केस, एक दिन में किए गए 3,40,000 टेस्ट, रिकवरी रेट 96.4% पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना के 20,295 नए केस, बीते 24 घंटे में 443 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस, 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 30,000 से ज्यादा नए केस आए, 31,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 23,513 लोग संक्रमित, 28,100 लोग हुए ठीक। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 13,756 लोग संक्रमण की चपेट में आए, 20,392 लोग ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना के 2,314 नए केस, बीते 24 घंटे में 8 से ज्यादा लोग रिकवर हुए, 70 लोगों की मौत। अब वियतनाम में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, अन्य वेरिएंट के मुकाबले हवा में तेजी से फैल रहा है ये वेरिएंट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 1,262 नए केस, बीते 24 घंटे में 2,738 लोग ठीक हुए, 30 लोगों ने जान गंवाई। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना से 1,687 संक्रमित, 4,446 मरीज ठीक हुए। गोवा में कोरोना के 963 नए केस, बीते 24 घंटे में 27 लोगों की मौत, 155 लोग ठीक हुए। मन की बात में कोरोना पर बोले पीएम मोदी, जल थल नभ से युद्ध स्तर पर चल रहा है काम, ऑक्सीजन पहुंचाने में नेवी एयरफोर्स और आर्मी जुटी। पीएम मोदी बोले कोरोना के खिलाफ लड़ाई जरूर जीतेंगे, चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प उतना ही बड़ा।
पीएम मोदी ने कहा सेकेंड वेव के दौरान अचानक बढ़ गई थी ऑक्सीजन की मांग। फ्रंटलाइन वर्कर्स ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए हजारों लाखों लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई। पीएम मोदी ने कहा देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जारी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देश के कोने कोने में पहुंची ऑक्सीजन। मौजूदा संकट से पहले देश में रोजाना 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का होता था उत्पादन। पीएम के मुताबिक अब उत्पादन 10 गुना बढ़कर रोजाना 9500 मीट्रिक टन हुआ। मोदी ने कहा महामारी में भी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन, कई जगह किसानों को एमएसपी से ज्यादा भाव मिले। कोरोना काल में प्रभावित बच्चों के लिए पीएम का बड़ा ऐलान। पीएम के फंड से अनाथ बच्चों को मिलेगी मदद। अनाथ बच्चों को हर महीने भत्ता और 23 साल का होने पर 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। फ्री एजुकेशन भी देगी सरकार। बच्चों को हायर एजुकेशन लोन में भी मिलेगी मदद। लोन का ब्याज केंद्र सरकार चुकाएगी। 18 साल तक आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ। महिला बाल विकास मंत्रालय का आंकड़ा 25 मई तक देश में 577 बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हुए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया। बाल सहायता योजना के तहत मिलेंगे पैसे। कोविड से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए यूपी सरकार प्रतिमाह 4000 रुपए देगी। बच्चियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए देगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, जून में राष्ट्रीय कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए करीब 12 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध होंगी। महाराष्ट्र 2 करोड़ टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। सीबीएसई पिछले 3 साल के मार्क के आधार पर 12वीं के छात्रों को दे सकती है रिजल्ट। 1 जून तक होगा आखिरी फैसला। यूपी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द, जुलाई में कराई जा सकती है 12वीं की परीक्षा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी जानकारी। बीजेपी नेता ने एक्ट्रेस पर हेल्थ वर्कर बनकर वैक्सीन लगवाने का आरोप लगाया। थाने पुलिस कमिश्नर से की जांच की मांग। एक्ट्रेस ने हेल्थ वर्कर की फेक आईडी से लगवाई वैक्सीन। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फ्रोसिटीन बी इंजेक्शन की एक और खेप अमेरिका पहुंची। अभी तक अमेरिका से आई 2 लाख इंजेक्शन। राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए लगा टीकाकरण शिविर। शरणार्थियों ने सरकार से किया धन्यवाद। मणिपुर में 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। सीएम ने दी सौगात। अमृतसर के गोल्डन टेंपल में एसजीपीसी ने कराया फ्री वैक्सीनेशन का आयोजन। बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग। वैक्सीनेशन अभियान में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले ने मारी बाजी। अब तक कुल 76% लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एसडीएम ने एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशंस को राहत सामग्री बांटने से पहले मंजूरी लेने को कहा। कुछ गांवों में खराब क्वालिटी की दवाएं बांटने की मिली थी शिकायत। कर्नाटक में एक प्राइवेट कंपनी राज्य के सरकारी अस्पतालों में बेकार पड़े वेंटिलेटर्स को फ्री में करेगी रिपेयर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने दी जानकारी। हिमाचल के मंडी से आई अनोखी तस्वीर। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने जेसीबी की मदद से चढ़ाई कर ऊंचे इलाकों पर किया लोगों का टीकाकरण। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर एनजीओ की पहल। कुलियों में बांटे राशन किट, दवा, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर। भारत ने भगोड़े मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ डोमिनिका भेजा निजी जेट विमान। एंटीगा के पीएम ने रेडियो शो में किया दावा। एंटीगा के प्रधानमंत्री ने डोमिनिका को सीधे भारत भेज मेहुल चौकसी को डोमिनिका से सीधे भारत भेजने की दी सलाह। अगर मेहुल को एंटीगा भेजा गया तो मिलेगी कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा। डोमिनिका की जेल से सामने आई भगोड़े मेहुल चौकसी की तस्वीर। शरीर पर दिखे चोट के निशान। मेहुल चौकसी की तस्वीर एंटीगुआ न्यूज रूम की ओर से जारी की गई। मेहुल के वकील का आरोप, डोमिनिका की जेल में हुई मारपीट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिका में की गई है कोरोना संकट के दौरान काम रोकने की मांग। उत्तराखंड के चमोली जिले के ऋषिगंगा में ग्लेशियर की हालत गंभीर नहीं, राज्य के डीजीपी का बयान। कोरोना महामारी को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल खाली करने के दिए निर्देश। फैसले पर छात्र नेताओं ने जताई आपत्ति। अयोध्या में मस्जिद निर्माण में चंदे को मिली टैक्स से छूट। इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की मांग पर आयकर विभाग ने सुनाया फैसला। ममता की सफाई पर हमलावर बीजेपी विंदु अधिकारी, शाम 4:30 बजे देंगे ममता के सवालों का जवाब। पीएम के रिव्यू दौरे पर ममता के व्यवहार पर बोले बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का, ममता ने अपनी राजनीति के लिए बंगाल की जनता का नुकसान किया। ग्वालियर में लगे बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता होने के पोस्टर। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने पूछा मुश्किल समय में विदेश में मौजूद क्यों। बिहार के समस्तीपुर में सीपीआई विधायक अजय कुमार के दफ्तर पर हमला, विधायक की गाड़ी के शीशे तोड़े। कश्मीर पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बड़ा बयान, कहा भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर से शांति लौटी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 नागरिकों पर आतंकियों ने की फायरिंग, अस्पताल में हुई मौत। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सीतामढ़ी में यास तूफान में मूसलाधार बारिश के बाद बागमती नदी पर बना पुल बहा, कैमरे में कैद हुआ वीडियो। चंडीगढ़ में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, सड़कों पर जगह जगह गिरे पेड़।
आगरा के भोजपुर में दिल दहला देने वाली घटना हुई। ईंट के भट्टे पर बदमाशों ने मैनेजर की गोली मारकर हत्या की। मुरादाबाद पुलिस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे गैंग का किया भंडाफोड़। मौके से सिम कार्ड, लैपटॉप और दूसरी चीजें बरामद। भोपाल में एक सरकारी कर्मचारी के 6 ठिकानों पर छापा मारा गया। 3 करोड़ से ज्यादा कैश, सोना और दूसरे गहने जब्त। महाराष्ट्र के मालेगांव में हल्की बारिश और तूफान की वजह से होटल का एक हिस्सा गिरा। यूपी के संभल में दो पहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाते दिखे पुलिस वाले, वीडियो वायरल होने के बाद दिए गए जांच के आदेश। ठाणे जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा पाटिल का गांव में विजय जुलूस, कोरोना नियमों को भूलकर लोग जश्न मनाते दिखे। रामेश्वरम के सियालगुड़ी नेस्ट के पास मिले इंसानी कंकाल, सूचना मिलने पर पुलिस ने शुरू की जांच। उड़ीसा के बालासोर में बढ़ा प्रभावित लोगों से मिले केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद सारंगी, लोगों को बांटी राहत सामग्री। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद नोएडा में आबकारी विभाग एक्शन में, जगह जगह चलाया गया जांच अभियान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुप्त समारोह में अपनी मंगेतर के साथ रचाई शादी, ब्रिटिश मीडिया के हवाले से रिपोर्ट। कनाडा में 43 साल पहले बंद स्कूल में मिले 215 बच्चों के कंकाल, लोगों ने सीढ़ियों पर बच्चों के जूते रखकर दी श्रद्धांजलि। चीन का कार्गो अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन पहुंचा, अपने अंतरिक्ष स्टेशन को करेगा जरूरी सामान की सप्लाई। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक घर के सामने गैस लीक होने से लगी आग, अधिकारियों ने एक दर्जन घरों को खाली कराया। पूर्वी इंडोनेशिया में पर्यटकों की फेरी लगाने वाले एक जहाज पर भीषण आग, 200 से ज्यादा लोग सवार थे, जान बचाने के लिए समंदर में लगाई छलांग। रूस ने सोयूज रॉकेट से 36 इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए, भविष्य में समंदर, आसमान और दूर दराज वाले इलाकों में भी मिलेगा इंटरनेट। चीन ने यूनान इलाके में जंगली हाथियों का उत्पात, खेतों और फसलों को नुकसान पहुंचाया, रिहायशी इलाकों में भी लोग डरे। सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका करता है भारत में निवेश, मॉरिशस को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचा अमेरिका। ब्रिटेन के क्लब चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर जीता यूरोपीय चैंपियंस लीग का खिताब, दूसरी बार चैंपियंस लीग खिताब पर कब्जा। फ्रेंच ओपन टेनिस शुरू होने से पहले पेरिस में कंसर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने बड़े मुकाबले में लोगों की जमावड़े की तैयारियों का लिया जायजा। कोरोना काल में 3000 कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय, फूड बैंक के साथ मिलकर 3 महीने तक कैंसर रोगियों और उनके परिवारों को खाना उपलब्ध कराएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।